साथ में उनका जी भैया मोबाइल थोड़ा पीछे रखो भाई को करीब 10:30 बजे डिप्टी कमांडेंट साहब का फ़ोन आया। उन्होंने हमसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने बताया मेरा नाम अमर है। उन्होंने पूछा विजय को जानते हैं। हमने कहा हाँ वो मेरे जीजा जी हैं। उन्होंने बोला हमसे कि उनके घर का नंबर नहीं लग रहा है। मैंने बताया ये सर क्या बात है। उन्होंने हमसे बोला कि बेटा वो ड्यूटी पर जा रहे थे और टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और ही इज़ नो मोर। जैसे ही बोला ये मेरी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई। ये मैंने पूछा साहब किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। मैंने सर फादर नेम बताइए क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। तो उन्होंने जैसे ही पिताजी का नाम बताया सांस रुके भैया। मैं भागा भागा बहन के पास गया। बहन से पूछा बहन तुम्हारी बात हुई थी कितनी देर में। उन्होंने बोला करीब 1 घंटे पहले हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला मैं तैयार होने जा रहा हूँ, ड्यूटी पहुँच के बात करूँगा। बहन मेरी इंतज़ार कर रही थी कि वो कब पहुँचे ड्यूटी हो मुझसे बात। मैंने कहा तुरंत फ़ोन लगाइए। फ़ोन तो लगाया लेकिन बेल बराबर गई, किसी ने रिसीव नहीं किया और शायद वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। वो एक गरीब परिवार का बेटा था। उनके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। अकेला लड़का था, 3 बहनें, 3 को शादी हो चुकी है। घर परिवार कोई है नहीं कमाने वाला। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कुछ उनकी आर्थिक सहायता करें और मेरी बहन यानी उनकी बहू के लिए, वो भी एक गर्भवती है, लगभग 15 से 20 दिन उनके बच्चे भी होने वाला है। मुझे बड़ी बात का दुख है कि वो एक पिता होने का ख्वाब नहीं पूरा कर सके और अपने बच्चे का मुँह नहीं देख पाए। लेकिन जो हो गया तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं एक भाई होने के नाते उनका बेटा तो नहीं रहा लेकिन उनका माता पिता के लिए कहना चाहूँगा कि उनकी आर्थिक सहायता करें और उनकी बहू को कुछ रोजगार के लिए सरकारी सहायता करें, उनकी सरकारी नौकरी का प्रबंध करें, क्योंकि अगर होने वाले बच्चे के लिए उनकी सहायता करें, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का व्यवस्था करें। क्योंकि वो बेहद गरीब परिवार से और क्या बताएं उनके बारे में, जितनी भी तारीफ करें कम है। वो एक किसी माँ बाप का नहीं, हमारे देश का बेटा था, वो शहीद हुआ है। वो हमें इस बात पर बड़ा गर्व है कि देश के लिए एक बेटा शहीद हुआ है। मैं आज मेरे ख्वाब है मैं भी डिफेंस में जाकर असिस्टेंट कमांडेंट ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। बड़े खुशनसीब होते हैं वो बाप जिनके बेटों को कफन के रूप में तिरंगा मिलता है। जय हिंद, जय भारत।